पुनिया जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूं सर, आपके नेतृत्व में जिस तरीके से इस कोरोना की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और राजस्थान के अंदर 55% से ज्यादा जो रिकवरी रेट आई है वो हमारे लिए हौसला बढ़ा रही है और पूरे राजस्थान ही नहीं एक देश में भी हमने राह दिखाई है और जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। सर अभी रबी की फसल के खरीद के लिए जो सेंटर आपने बढ़ाए हैं, सादलपुर में 5 सेंटर आपने बढ़ाए खरीद के लिए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन मैं किसानों के लिए आप बात रखना चाहूंगी सर, समय पर उन्हें खाद और बीज उपलब्ध करवाए जाएं ताकि अगली फसल की बुआई है वो समय पे हो सके। और हमेशा की तरह किसान ने इस बार भी हिम्मत दिखाई और इस कोरोना जैसी महामारी में भी वो अपने हाथ उन्होंने नहीं फैलाए, तो जरूर उनका ध्यान रखा जाए। तीसरा सर मैं कहना चाहूंगी कि क्वारंटाइन का जो मामला है वो अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग है सर। होम क्वारंटाइन के लिए आपने रखा, मैं इसके लिए आपकी मैं बधाई देती हूँ, लेकिन रूरल के लिए इसके मायने अलग हो जाते हैं सर, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है और रूरल में जो अपने घर में होम क्वारंटाइन है तो उसकी फैमिली सार्वजनिक नल से पानी लेने जाएगी तो वो उस चीज को वहां फैला सकती है। और सादलपुर के लिए बहुत अच्छी बात ये भी है सर कि सादलपुर प्रशासन ने हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं जिसमें 20 से 30 व्यक्तियों की सुविधा की गई है, बेड की सुविधा की गई है। तो ऐसे में गांव के लोगों तक ये बीमारी ना पहुंचे, तो मेरा सुझाव तो यही है सर कि स्कूल में या जो पंचायत हेडक्वार्टर पे जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें क्वारंटाइन किया जाए। और साथ में मैं आपको बधाई ये भी देना चाहती हूँ सर, CMHO चूरू से जो वार्तालाप पे मुझे पता चला कि चूरू में भी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तीसरा, जैसा कि सबके लिए तो माइग्रेशन की जो बात आई थी, मजदूरों को लेकर आना छोड़कर आना ये एक गंभीर विषय है सर, लेकिन मजदूरों को आने के बाद उसे रोजगार मिले ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में अर्बन एरिया में भी हम मनरेगा शुरू करके स्कूलों को ही पढ़ाई करना या उनका मेंटेनेंस करना, सफाई करवा सकते हैं, पेड़ लगवा सकते हैं, खेल ग्राउंड को समतल करवा सकते हैं, इस तरीके के काफी काम हम अपने मजदूरों को देकर उन्हें रोजगार भी दे सकते हैं एक तरीके से। तो इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अर्बन एरिया में भी हमें मनरेगा को रखना चाहिए। और तीसरा सर, लगभग 900 के करीब लोग चूरू में फंसे हुए हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, और जिनमें से सादलपुर अकेले में 327 लोग हैं। और जैसा कि सभी साथियों ने पहले बताया, बीकानेर चूरू ये बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड है रेल लाइन से, हम इतने 900 लोगों को अगर जयपुर से माइग्रेट करेंगे तो मुश्किलात आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्राथमिकता चूरू से ही या फिर जैसे बीकानेर से इसी रूट से निकाला जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और साथ में सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज ही फैसला हो रहा है कि जी सर ये संभव होगा, अब जी रूट बन जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपके आपके एरिया से भी जा सकते आगे लोग। जी सर, कोशिश कर रहे हैं बीकानेर ट्रेन चले जी सर और छात्र से आगे निकल जाए तो हम लोग बात कर, आप लिख के भेज दीजिए क्या चाहते हैं, कितने लोग हैं नाम जी सर। और दूसरा सर, आपने कुछ दिन पहले फोन पे वार्ता करके जब हालचाल पूछा था और आपकी बातों से प्रेरित होकर हमने दानदाताओं के सहयोग से साधनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने खाद्य सामग्री बंटवाई, MLA लैड को हम कभी भी यूज कर सकते हैं, दानदाताओं को हमने प्रोत्साहन किया और हमने खाद्य सामग्री बंटाई। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी सर, हमने अपने फेसबुक पे मैसेज छोड़ा कि गांव में हम मास्क बांटना चाहते हैं, तो गांव की महिलाओं ने ये मास्क बनाए हैं सर, देख सकते हैं आप इसे, और मैं खुद इसे यूज करती हूँ ताकि लोगों को प्रेरित कर सके। तो खुद इसे हाथ से बने हुए मास्क को मैं पहनती हूँ और ये गांव की महिलाओं द्वारा बनाया गया, हमने सैंपल दिए, लगभग 20,000 के करीब हमने मास्क बांटे हैं सर और ये गांव की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए। अच्छा बनाया तो ये प्रेरणा भी आपसे हमें मिली थी सर। और साथ में मैं पुनः आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि काफी लंबी खुशी रही है और आपकी इस पहल का मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार सर।